हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। आपके फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर हम इन नोट्स से आप लोगों को इकोनॉमिक्स की जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें करवाने की कोशिश करेंगे और जो बेसिक आइडियाज हैं इकोनॉमिक्स के वो भी हम लोग देखेंगे। सो राष्ट्रीय आय और उत्पादन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो उत्पादन के लिए सबसे पहली चीज आती है उत्पादन, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जो नेसेसरी चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज है भूमि, दूसरी चीज है प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनमें आपके जल, वन और खनिज आते हैं, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, आप लोगों का वाटर रिसोर्सेज हो गए। यहाँ से आप लोगों का क्या होता है, उत्पादन में हेल्प मिलती है। बेसिक चीजों से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कई बार हम बेसिक क्वेश्चंस को इसलिए क्लियर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा आइडिया उस चीज के लिए क्लियर नहीं होता है। तीसरी चीज है आप लोगों के श्रम, फिर आती है आपकी भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी में आता है आपका श्रम का मतलब होता है वर्क, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपल, अगर आपको नहीं पता, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में भी डिफाइन करने की कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत। तो श्रम जो वर्क फोर्स हमारा है, ठीक है, तो जो हम काम करते हैं उसी को हम श्रम बोलते हैं। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं, दो प्रकार की भौतिक पूंजी होती है। पहला है स्थायी, दूसरा है कार्यशील। स्थायी में कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि आप कोई कंपनी अगर खोल लेते हैं तो उसमें मशीनें हो गई, और अगर हम छोटा सा अगर किसी किसान के बारे में हम बात करें तो हल भी क्या है, हम एक मशीन में उसे मानेंगे। और फिर से वही किसी स्कूल या किसी कंपनी की बात करें तो उसमें कंप्यूटर और भवन और वाहन, ये चीजें क्या होती हैं, इन्हें हम स्थाई में मान के चलते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो भवन है वो कौन सी पूंजी में आता है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत, तो ये स्थाई में आता है, ठीक है। या पार्ट अगर उत्पादन के लिए आवश्यक चीजों में हम बात करें तो ये कौन सी पूंजी मानी जाएगी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कार्यशील में कौन सी चीजें आती है, कच्चा माल और नकद पैसा, ये आपकी कार्यशील में आता है। अब आता है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस या मानव पूंजी, इसमें आपका क्या है, ज्ञान। ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है यहाँ पर। और एक जो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है कि आभूषण कौन सी पूंजी में आता है, तो ये वित्तीय पूंजी में इसको लिया जाता है आभूषण को। इन्हें उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। कारक मींस होता है फैक्टर, मींस जिनसे हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो सीधी सी बात वही हो गई कि उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब आती है गैर कृषि क्रियाएं। गैर कृषि क्रियाओं में कौन कौन सी जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें आपका लघु विनिर्माण जो छोटा निर्माण होता है, कम कंस्ट्रक्शन होता है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वह भी मानव पूंजी में बदल जाती है। ध्यान दीजिए कि अगर हम शिक्षा में या ट्रेनिंग में क्या करेंगे, अगर कोई निवेश करते हैं तो वो किसमें, मानव पूंजी में चेंज हो जाती है। यह देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, किसी भी कंट्री को, किसी भी राष्ट्र की जो उत्पादन कैपेसिटी है उसमें क्या करेगा, वृद्धि करता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि उत्पादन क्षेत्र, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे एक या दो क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं एटलीस्ट, जो उत्पादन क्षेत्र होते हैं हमारे, जो प्रोडक्शन के फील्ड है, एरियाज है। तो बात करते हैं, पहला जो है प्राइमरी जो होता है, प्राथमिक में कौन कौन से आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है कि जैसे आ जाएगा कि निर्माण कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक है, द्वितीय है या तृतीयक है। तो प्राथमिक में कौन कौन सी चीजें आती है, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन मीन्स मछली पालन, और खनन और उत्खनन, ये सभी किसमें आते हैं, प्राथमिक में आते हैं। तो क्वेश्चन आपका यूजुअली यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो खनन और उत्खनन है वो कौन सा उत्पादन क्षेत्र है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। द्वितीयक में कौन कौन सी चीजें आती है, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, निर्माण और जल विद्युत या गैस। तृतीयक में होटल, तृतीयक में ज्यादातर सेवाएं आती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि ज्यादातर क्या होती है, इसमें सर्विसेस को थर्ड में माना जाता है। तो होटल, परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग, बीमा, लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, अन्य सेवाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन,
ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं, इन सभी को क्या माना जाता है, ये क्या है, तीन तरह की आर्थिक क्रियाएं हैं और इनसे देश में राष्ट्रीय आय बढ़ती है। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में जितना अधिक विकास होगा सेवाओं की मांग उतनी ही बढ़ जाएगी। जमीन से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है, बहुविध फसल प्रणाली। अगर हम जमीन में फसल बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो एक ही टाइम पे हम अलग अलग क्या करते हैं, एक ही साथ अलग अलग टाइप की फसल क्या करें, उगाए, या एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल पैदा करना। मीन्स एक 3-3 मंथ्स का हम क्या कर सकते हैं, स्लॉट बना सकते हैं और उसमें हम अलग अलग फसलों को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं एक ही सामने। आधुनिक कृषि विधियां जैसे हरित क्रांति के समय अधिक पूंजी की आवश्यकता, तो ये दो चीजें हैं। जैसे आधुनिक जो हरित क्रांति हुई थी उससे अब ये हम अगर इसे पर्टिकुलरली देखें तो हरित क्रांति से लॉन्ग रन में हमें फूड तो मिला है, लेकिन वो कंटेमिनेटेड फूड ही हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया है। लेकिन फिर भी हम एग्जाम बेस्ड अगर मान के चले तो हरित क्रांति हम पॉजिटिव वे में ही इसको लेते हैं और आधुनिक कृषि विधियां उसमें आती हैं। अगर हम आधुनिक कृषि विधियों को लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो एक कंटेमिनेटेड फूड ही होता है। मीन्स उसमें जहरीला फूड ही हम बना रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि जो पंजाब है, हरियाणा है, वहां पर जितना भी यूज हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो कीटनाशक है उनका यूज इतना ज्यादा हो गया है, इतना अधिक कीटनाशक का यूज हो रहा है कि वो अब ह्यूमन पे ही क्या है, गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन फिर भी एग्जाम बेस्ड के लिए हमें ये मान के चलना है कि जो हरित क्रांति है वो क्या कर रही है, इस चीज के लिए बेनिफिशियल है। अधिक पूंजी की इसमें आवश्यकता पड़ती है, जब हमें अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो अधिक पूंजी की भी जरूरत पड़ेगी। उसमें आपका खाद हो गया और बाकी जो पेस्टिसाइजर है उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। राष्ट्रीय आय और उत्पाद की मुख्य अवधारणाएं, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष के दौरान जितना हमारा उत्पाद होता है उसकी गणना होती है घरेलू सीमा के अंदर। मीन्स इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर की बात होती है और निवासियों द्वारा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्यों का समग्र योग। यहाँ पे अंतिम मूल्य को समझिए, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जैसे 1 किलो गेहूं है, अब उसके 1 किलो गेहूं से हमें 1 किलो गेहूं की आय बनी, अब उससे हमें 1 केजी ब्रेड हमने बनाया, तो हम इन तीन इसे तीन जगह क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, 1 केजी ब्रेड को ही काउंट करना है। जो फाइनल हमारा क्या होगा, अंतिम उत्पाद होगा, उसी को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्यों का समग्र योग ही हमारा जीडीपी होता है। और इसको करता कौन है, इसे आप लोग जो सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, जो सीएसओ है, उसे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है, 1995 से। तो ये गणना करता है किसकी, जीडीपी की। आगे बढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे जीडीपी प्लस विदेशों में रहने वाले, देखिए जीडीपी क्या थी, जो हमारे निवासी हैं भारत में उन्हीं का काउंट किया जाता है, जबकि जीएनपी में क्या किया जाता है, जो सकल में अगर हम बोलें तो उसमें विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय और माइनस भारत में रहने वाले विदेशियों की आय की गणना की जाती है। उसके बाद आता है विशुद्ध निवल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उसमें इसे हम कहते हैं एनएनपी। जीएनपी माइनस मशीनों की जो घिसावट होती है जिसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, डेप्रिसिएशन मशीनों की जो डेप्रिसिएशन होती है, और मूल्य ह्रास कर व्यय, ये डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं जीएनपी से। अब बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय की, एनएनआई की। बाजार कीमत पर एनएनपी, एमपी और माइनस आपका अप्रत्यक्ष कर प्लस आपकी सब्सिडी। यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि पूछा जाता है, वो आपका आधार वर्ष से पूछा जाता है। आधार वर्ष राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन स्थिर कीमत पर
वास्तविक हो जाता है। अब यहां पर क्या है कि आपका जो आधार वर्ष है वो 8वां आधार वर्ष है, और वो कौन सा है, 11वां 11-12 है, ठीक है, 11-12, 2004 एंड 5 के स्थान पर इसे क्या किया गया है, चेंज किया गया है 11-12। निगम कर को राष्ट्रीय आय से घटाना होता है क्योंकि यह परिवारों को नहीं मिलता है। यहां पर सीएसओ द्वारा जो 2015 में जारी निर्देश के अनुसार स्थिर बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी, जो कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बेसिक मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य संवर्धन जीवी ए का योग होगा, राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करेगा। कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं जिससे कि आपको आंसर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जीडीपी को उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिए कि जो जीडीपी है, अब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, नहीं में आ सकता है, चॉइसेस में आ सकता है, ठीक है, तो उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जाता है क्योंकि एक बात ये मान के चलिए कि जीडीपी क्या है कि सारे देश के लोगों की क्या है, आय का हिस्सा है। अब हो सकता है कि एक जो परसेंटेज है, जैसे 15% लोग ही क्या करें, बहुत ज्यादा उनकी कमाई हो और बाकी लोगों की इतनी ज्यादा क्या ना हो, अर्निंग सोर्स ना हो, ठीक है, तो हमारा जो 85% है उनकी तो लाइफ क्या है, वही सेम है, और जो 15% है उनकी बढ़ गई है, इसीलिए इसे कल्याण का, उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं माना जा सकता है। जैसे कि कंपनी लगाने से जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन कंपनी के प्रदूषण से गरीब आदमी के मछली पालन, कृषि आदि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्ट है कि कंपनी से हम जो एक तरह से आइडिया है सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मीन्स जब जीडीपी है तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसमें विचार नहीं है, इसलिए उच्च कल्याण का सूचकांक उसको नहीं माना जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, किसी भी देश में आर्थिक कल्याण का ठीक से पता लगाने के लिए पीसीआई एक सर्वश्रेष्ठ मापदंड होता है, जैसे कि हर वर्ष इसको निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग आर्थिक कल्याण के अच्छे स्तर पर हो। लार्जेस्ट इकोनॉमीज आर नॉट द रिचेस्ट, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने लिखा था कि जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं वो रिचेस्ट नहीं है। कई बार मौद्रिक आय के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे जो भी डिस्कशन हम करने वाले हैं उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।